सर मेरा नाम है इबू अटेला। मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता अपने यहाँ के किए हुए काम को। लाइट की क्या जरूरत है, कुछ कुछ देखना दिखाना है क्या, खाएगा केला। द फर्स्ट एवर इंडियन एक्टर इन मार्वल मूवी, प्लीज वेलकम हरीश पटेल। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, और देखने वालों को भी, अगर मैं दिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं सुनाई दे रहा हूँ या दिखाई दे रहा हूँ, यानी ये तो मिस्टर इंडिया वाला डायलॉग हो गया यार। हाँ है, सबको नमस्कार। टॉकिंग अबाउट योर फिल्म्स, आई हैव गॉट सम डायलॉग्स, डायलॉग प्ले करने वाला हूँ और आपको बताना है कौन सी मूवी का। लेट्स सी हाउ मच यू रिमेम्बर। ओके, अगर वो डायलॉग मैंने खुद ने लिखा होगा तो मुझे तो याद है, क्योंकि ज्यादातर वही हुआ है कि ये जो भी जितने डायलॉग्स हैं उनमें कहीं ना वो या तो मेरे खुद के बने हुए होते हैं या फिर उनको मैंने उसमें मैंने एडिशन किया होता है। अच्छा, तो सबसे पहला डायलॉग तो हो गया गई भैंस पानी में। हाँ मिस्टर इंडिया, लेकिन ये सब जो मैंने किया मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये फिल्म क्या है। अच्छा, इसमें क्या होने वाला है। हाँ, या मैं क्यों हूं। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा हूँ सीन में, मगर मैं क्यों खड़ा हूँ भाई, ये सामने जो मेरे साथी एक्टर्स खड़े हैं ये हाँ, फिल्म में क्या कर रहे हैं। हाँ, और या अनिल कपूर जो है मेरे सीन में आया है, जहां मैं उसको ये वो आता है दुकान पे मेरे कुछ लेने के लिए, तो वो क्यों, ये क्या कर रहा है फिल्म में, ये कौन है, उसके साथ में सतीश कौशिक है, ये क्या कर रहा है। अच्छा, और मैं इनको जो अनाज अनाज देता हूँ या ये क्या है, मुझे कुछ वो जो लिखा था उसको मैं कुछ यार कुछ ऐसा होगा फिल्म में वो करके मैं कर रहा था, मुझे कुछ मालूम नहीं था ये क्या फिल्म है क्या रोल है। मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता अपने यहाँ के किए हुए काम को, जिसकी वजह से मुझे जो बाहर इज्जत मिल रही है या जो मुझे एमसीयू मिला है, सॉरी टू से, लेकिन ये सच्चाई है। पर बॉलीवुड के कुछ डायलॉग्स हैं मेरे पास, लेट्स प्ले दोस डायलॉग। चलो हम दूसरे डायलॉग पे आते हैं। रात को 1-2 के बीच नहाने का पानी आता है, नहा लेना। बोलो नहीं, सुनते रहो। अंदर जो पंखा है ना उसे छेड़ना नहीं, कभी भी गिर सकता है। हाँ, ये अंदाज अपना अपना का है। ये अंदाज अपना, वो जो वो पंखा है ना वो चलता नहीं, और तो क्या ये मेरा था एडिशन। लाइट की क्या जरूरत है, कुछ कुछ देखना दिखाना है क्या, ये मेरा एडिशन था। ओके, नेक्स्ट डायलॉग, ये मैं बहुत बोलता हूँ डायलॉग। अच्छा किया जीजा जी जो रोक दिया, वरना 7 भाइयों की जगह 6 रह जाते। घातक, घातक, ये भी मेरा खुद का है। अच्छा, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, अच्छा जीजा जी रोक दिया, नहीं तो 7 भाइयों की जगह 6 रह जाते। मजे की बात अगर मैं बताऊं कि ये जो मेरा रोल था, ये फिल्म कंप्लीट हो रही थी, आखिरी 7 दिन रह गए थे शूटिंग के, तब ये मेरा रोल आया। अच्छा, तब मुझे, हाँ तब राज का मुझे फोन आया कि हरीश कल को मद्रास चलना है अपने को। मैंने, अरे क्या बोल रहे हो, मैं वो अपनी एक सलमा सुल्तान करके हुआ करती थी, न्यूज रीडर दूरदर्शन, ये दूरदर्शन में बहुत प्यारी थी वो, फूल लगाती थी ऐसे। मैं उनके साथ एक सीरीज से एक एपिसोड करने जा रहा था भोपाल, मैंने उनको फोन किया मैं नहीं आ सकता, अरे मुझ पर इतना नाराज हुई थी, लेकिन फिर मैं चला गया मद्रास जाने के लिए। मुझे क्या, नेक्स्ट डायलॉग, लेट्स सी व्हेदर यू कैन आइडेंटिफाई दिस डायलॉग और नॉट। साले जी तुमने खुद ही तो अपने आदमियों को ये सिखाया है कि अगर पकड़े जाओ तो मर जाना, मगर जबान नहीं खोलना, और तुम खुद ये भूल रहे हो क्या। ये जीजा हट, हटका साले जी, ये तो अटका बोला ना जो उसे शोला और शबनम, अब ये जो अटका था ये मेरा था। ये मेरा ऑडिशन था खुद का। यू प्लेड अ कंप्लीट नेगेटिव कैरेक्टर इन दिस मूवी, पूरा नेगेटिव कैरेक्टर पूरी मूवी में। वो उनको विलन के लिए उन्होंने, जहां तक मुझे पता चला कि उनको अमरीश पुरी जी चाहिए थे। अब पुरी साहब के साथ हमने थिएटर किया हुआ है 74 से लेके 82 तक, तो उनको पुरी साहब चाहिए थे रोल के लिए, लेकिन किसी वजह से वो बात नहीं बन पाई, तो पुरी साहब को रिप्लेस करने के लिए हम 3 को लिया गया। अच्छा, गुलशन ग्रोवर, हाँ मगर वो गुलशन ग्रोवर भी अकेला नहीं चल पाता शायद, तो और मोनिश बहल और मैं 3 को फिर उन्होंने किया। अब उसमें भी उनका, क्योंकि वो मेन जो थे वो मुझे तो रख लिया था प्रतिबंध की वजह से, प्रतिबंध करके जो फिल्म आई थी चिरंजीवी साहब के साथ की, और जो मेरी फेवरेट भी फिल्म है जिसमें काम करके मुझे सच में बहुत मजा आया था, तो उसकी वजह से मुझे इसमें ले लिया, लेकिन उनको पता नहीं था मेरे साथ क्या करना है। डेविड धवन तो जो डायरेक्टर था फिल्म का खुद बोलता था, अरे ये हरीश पटेल कौन है भाई, तो वो तो मुझे देख के ही उसका चेहरा ऐसा हो जाता था कि पता नहीं जैसे कौन मनहूस आ गया सेट पे। अटका करके बनाना पड़ा सर,
नहीं तो इसमें क्या है, हमको खुद अपने आप के लिए करना पड़ता था right. यार हम कहीं अगर हैं स्क्रीन पे तो ऐसा नहीं हो कि हम भी जो स्क्रीन पे खड़े लेके बाकी लोगों को एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का केला, खाएगा केला हाँ। वो राइटर जो थे बब्बर करके कुछ नाम था उनका, तो उन्होंने के माँ मेरी चुड़ैल की बेटी बाप शैतान का चेला यहीं तक लिखा था। अच्छा। तो खाएगा केला मेरा ऑडिशन था क्योंकि वो हाँ, और वो मैंने टेक पे किया क्योंकि वो कहीं पे लग रहा था कि यार ये बराबर मीटर में गाना नहीं है। हाँ, तो उसमें जो है माँ मेरी चुड़ैल की बेटी बाप शैतान का चेला खाएगा केला, ये मेरा था खुद का, जिससे उसको सामने वाले को मैं चुभोता हूँ, उसको उंगली करता हूँ बुरी तरह जिससे उसको बुरा लगे। तो वो तो चिढ़ेगा ना कोई अगर मैं किसी को ऐसे उन्होंने खाएगा केला तो उसको और इसी वजह से अगर मुझे पहले मालूम होता कि मैं ये बोलने वाला हूँ तो मैं एक्चुअली वहां केला रखता। अच्छा। या हाथ में एक हाथ में केला रखता है, एक हाथ से बाप चुड़ैल वगैरह करके और फिर खाएगा केला फिर करता मैं। लेकिन क्योंकि वो मैंने इम्प्रॉम्प्टू किया था इस वजह से तो वो है खाएगा केला हो गया वो फिर हाँ, क्योंकि मैं बाप चुड़ैल ये तो खाएगा कि वो जो हुआ है वो सच में वो मतलब ही वही है जो आप लोग समझ रहे हो। सर मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला, खाएगा केला पहले इंटरनेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, विकिपीडिया वगैरह कुछ नहीं होता था। आपने एक काम किया, आप चले गए, फिर आपका नाम हो जाता था, अरे वो देखा वो जो एक्टर मिस्टर इंडिया में आया था, अरे वो देखा वो शोला शबनम में था, वो अच्छा एक्टर था, अच्छा एक्टर था। सही है। गुंडा गेव वन नेम टू यू। हाँ सही है, ये मुझे अब पता चल रहा है, इबू हटेला। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, पर लोगों ने ये भी बोला इबू हटेला इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। सही बात है ये, और एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था ये। मेरा जो लड़का है वो जब कॉलेज में गया तो हम लोग ऐसी एक बार बैठ के बात कर रहे थे तो उसने बोला पापा ये जो सब आप बात करते हो कि आपने मंडी की उत्सव की और आपने गिरीश श्याम बाबू के साथ काम किया, गिरीश कर्नाड, गोविंद निलानी और ऐसे ऐसे लोगों के साथ में आपने, और क्या क्या फिल्में की आपने, ये सब करके ऋषिदा के साथ काम किया आपने, और तो बोले लेकिन वो सब जाने दो, वो सब भूल जाओ, आपको जो है वो इबू हटेला के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बोले ये इबू हटेला कौन है, मैंने पूछा उसको। बोले वो याद है गुंडा करके फिल्म आपकी, वो तब मैंने याद, फिर मैंने ये किया, अरे हाँ वो थी एक फिल्म, लेकिन बोले पापा वो फिल्म जो है आपको पता नहीं है क्या है वो, आप लोग हाँ अच्छा कल्ट फिल्म करके, और एकदम उसने तो फिर बाद में बताया कि आईआईटी वाले जो हैं उसका शो रखते हैं अपने को रिलैक्स करने के लिए और ये फिर बाद में मैं आईआईटी कानपुर पे उनका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है उधर हिंदी ड्रामों का, हिंदी प्लेज जज करने के लिए। अच्छा तो मजे की बात क्या है कि ये वहां पे जो मैंने काम किया उसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है जो मैंने रॉयल नेशनल थिएटर के लिए जो मैंने प्ले किया था रफ्ता रफ्ता हाँ रॉयल नेशनल थिएटर के लिए, उसको सर लॉरेंस ओलिवर अवार्ड भी मिला फॉर द बेस्ट न्यू कॉमेडी ऑफ 2007। वो जो मैंने किया था उसका मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। और उसके बाद में मैंने रोमियो एंड जूलियट के शेक्सपियर ग्लोब थिएटर पे खुद उनके उसमें जिसमें मैंने फ्रायर लॉरेंस का रोल किया था शेक्सपियर के उस लिए, तो उसकी ये सब है जिनकी वजह से मैं एमसीयू में आया। तो हाँ तो मैंने बोला उनको यार ये प्ले की बात है और आप लोग ये क्या लिख रहे हो यहाँ पे गुंडा उंडा का, ये क्या है? तो बोला सर इसी की वजह से तो आपको हमने बुलाया है, ये अच्छा। सब जो देख के आपको ताली बजा रहे हैं सब लोग, इतना सब बोले ये प्रिंसिपल तक जो है ओके इबू हटेला आया है। तो मैंने बोला भाई अब जो सच्चाई है उसको मान लो चुपचाप, क्या कर सकते हो आप, एक कोने में बैठे रहो सोच के कि आपने रॉयल नेशनल थिएटर के लिए मेन रोल किया, आपको इतनी इज्जत मिली और इवन गॉर्डन ब्राउन प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए आए थे, फिर उसके बाद में साथ में उनके बैठ के हमने ड्रिंक्स किया ग्रीन रूम में,
रॉयल नेशनल थिएटर के वो शो खत्म होने के बाद में तो वो चले गए। तो अब ये यार कहाँ ये सब चीजें एक बात है और कहाँ पे आप इबू हटेला के उसमें तो ये दो तरह के जो अनुभव हैं आपके बहुत अच्छे हैं, मैं इनको बुरा नहीं कहूंगा। अब मुझे अच्छा ही ठीक इसकी वजह से अब मुझे लगता है कि शायद हो सकता है अब तक तो एमसीयू में भी खबर फैल गई होगी कि इंडिया में इटर्नल्स को जो पॉपुलैरिटी इटर्नल्स के बारे में जो बातें की जा रही है इट इज बिकॉज ऑफ इबू हटेला नॉट बिकॉज ऑफ सलमा हायक और एंजेलिना जोली या तुम्हारे ये जो मैडन रिचर्ड मैडन या जेमा चैन इन लोग की किसी की वजह से नहीं है। इट इज इटर्नल्स इज बीइंग टॉक्ड अबाउट फॉर बिकॉज ऑफ इबू हटेला नाउ बिकॉज ऑफ इबू हटेला नॉट इवन हरीश पटेल इबू हटेला बट बिकॉज ऑफ इबू हटेला नो पूरी क्रेडिट एक्चुअली ये फिल्म का क्रेडिट जो है वो राइटर थे जो बाबर करके थे बहुत वो बिचारे वो बहुत अजीब से एकदम जो हमारी जो जगह है भिंडी बाजार मुंबई में वो वहां से थे। अच्छा। और हाँ उनका अपीयरेंस भी कुछ वैसा ही था वो सफेद बाल मेहंदी वाले मेहंदी भी उड़ी हुई है थोड़ी कहीं कहीं बालों में रह चुकी है वो एकदम पान खाए हुए दांत जो है नाखूनों में मैल लगा हुआ। अच्छा। उनके हाँ वो वैसे ही थे वो एकदम चप्पल है उनकी आप देखो तो मगर वो बैठ के जो लिखते थे आज पता नहीं उनको कोई जानता भी नहीं है एक्चुअली नहीं जानता ना आज आपने बताया तो अब लोग जानेंगे नहीं हमको मालूम है कि क्योंकि वो सारे वैसे ही डायलॉग होते थे उनके वापर पर वो ये कह रहा था जब हर कोई मूवीज ऐसी मूवीज करता था लोग बनाते भी थे और पैसे के लिए होता था धर्मपाजी में तुंदा ये सब लोग काम कर रहे हैं उसके एक्चुअली वही ना मुझे पता भी नहीं था मुझे तो साफ ये बोला गया था कि जब हुआ बोले कांति शाह का फोन आया अरे यार वो पर डे के हिसाब से काम होता है वहां पे सीधे आप पर डे लो और वो जो है और सीधा तीन तीन चार चार फिल्में एक साथ होती हैं तो और देखा फिल्म में काम कौन करते हैं तो अरे मिथुन जा चक्रवर्ती हैं और धर्मपाजी भी करते हैं और बाकी भी सारे जो एक्टर्स थे परेश रावल भी करता था और ये सब तो बोले अरे सब ये लोग सब भी करते हैं फिल्म तो अच्छी होगी मुझे मेरा तो यही था कि यार सब कर रहे हैं तो फिर हम भी करेंगे। फिर मिथुन चक्रवर्ती तीन तीन बार का नेशनल अवार्ड विनर एक्टर इतना जबरदस्त ये तो वो हिसाब से लेकिन और जब आप सेट पर हो फिर आपको मैंने तो बताया हमें तो मालूम ही नहीं होता था क्या है क्या करना है वहां पे पहुंचे आप फिर आप देख रहे हो वहां पे कि कहीं क्या हो रहा है किस तरह के डायलॉग चल रहे हैं क्या बोला जा रहा है तो उस समय पे आप क्या कर सकते हो ना आप ये थोड़ी बोलते हो। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए एंड सो गुड टू सी यू इन एमसीयू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब कुछ बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं करना फिल्म में मेरे से मेरा फिल्म में आपको हरीश पटेल ही दिखाई देगा लेकिन सब ठीक रहा तो अग्रीमेंट में जैसे लिखा हुआ है कि आई विल बी देयर फॉर द प्रीमियर। सर अगर आप जाएं तो एंजेलिना और सलमा को मेरा प्यार दीजिएगा। नहीं मैं तो अपना ही प्यार खाली अपना दूंगा प्यार तुम्हारा क्यों दूं उनको कमाल है मेरे प्यार में कमी। ऑन दैट नोट सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो तुतुर तुतुर तुहीन के साथ।